आइए भक्तों, आज हम एक और पावन कथा आपको सुनाते हैं श्री विष्णु जी महाराज की। ध्यान से सुनिए। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी वल्लभ श्री विष्णु हरि आदि देव हैं। वे लोकनाथ एवं लोक स्वामी हैं। वे आत्मवान हैं। उनकी प्रशंसा शब्दों में की ही नहीं जा सकती है। आप अनंत हैं, आप हरि हैं। सुने, त्रिमूर्ति भगवान है विष्णु, अपार है महिमा उनकी। जग में ऐसा कौन है जिसको पता नहीं लीला उनकी। जग के संचालक हैं विष्णु, जग के पालनहार हैं। उन्हीं के तेज से त्रिभुवन में चारों तरफ उजियारे हैं। शेषनाग की शैया पे रहता श्री हरि का आसन है। तीनों लोक पे चलता लक्ष्मी वल्लभ का ही शासन है। अजर अमर अविनाशी विष्णु कहलाते हैं महाप्रभु। बड़े दयालु दानवीर हैं, करते हैं ये दया प्रभु। हर ईशान है, हर श्रीमान है, हरि जी हैं वर्धमान। आओ सुनाओ उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। भक्तों, जब भी धर्म पे आंच आई है एवं दुर्जनों द्वारा सज्जन प्रताड़ित किए गए हैं, तो प्रभु विष्णु ने अवतरित होकर पापियों को दंडित किया है एवं धर्मात्माओं की रक्षा की है। जब भी धर्म पे आंच आई तो आपने है अवतार लिया। सज्जन प्राणियों की रक्षा की, दुर्जनों का संहार किया। आप हरि श्री जगन्नाथ हैं, आप किसान निराली है। आप है दानी वरदानी और ये संसार सवाली है। आप जिसे जो चाहे दे दे, आप प्रभु हैं सर्वेश्वर। आपकी आज्ञा जो टाले ऐसा नहीं कोई धरती पर। आप अर्धांगिनी रमा जी के धन देवी कहलाती हैं। धन से अपने भक्तों के भंडारे वो भर जाती हैं। प्रसन्न हो वो जिस पर, बन जाए वो धनवान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते श्री हरि की, कथा सुनाते हैं।
भक्त जनों, युग युगांतर से हरि नारायण के अवतारों का सिलसिला चला आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार आपने 24 अवतार लिए हैं। अंतिम अवतार उनका कल्कि भगवान के रूप में होगा, तो ध्यान लगाकर सुनिए। 24 अवतार लिए आपने, शास्त्र यही बतलाते हैं। हर युग में हर रूप में आकर धर्म को आप बचाते हैं। आप ऋषभ हैं, आप कवच हैं, आप ही नर नारायण। आप महर्षि वेद व्यास हैं, आप हैं दत्तात्रेय भगवान। आप कपिल भगवान प्रभु जी, आप हैं हंसा और कल्कि। आप ही बुद्ध हैं, आप ही कृष्ण, आप मोहिनी धन्वंतरी। आप आदित्य, आप मत्स्य हैं, आप हैं भगवान परशुराम। संत कुमार वराह भी आप हैं, आप ही श्री राम और बलराम। इन अवतारों का सब करते हैं प्रभु गुणगान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते सुनाते हैं। भक्तों, किस किस रूप में श्री विष्णु जी धरती पर आए और उन्हें अवतार क्यों लेने पड़े, यहां पर उसका वर्णन किया जा रहा है, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। राम रूप में आप आए और रावण का संहार किया। कृष्ण रूप में आप आए और कंस पे है प्रहार किया। परशुराम के रूप में आपने कितनों ही को मारा है। आपके हाथों हरिणाकश्यप भी परलोक सिधारा है। भक्त प्रहलाद की आप ही ने तो अग्नि से रक्षा की थी, और उसी अग्नि में होली का भी जल के भस्म हुई। आपकी लीला महिमा को किस तरह से कोई जाने। आपकी इस दयालुता को सारा त्रिभुवन है माने। शक नहीं इसमें कोई, प्रभु आप हैं बड़े महान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते सुनाते हैं। भक्त जनों, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का फल तुरंत ही मिलता है। उनके पूजन से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए आगे का वृतांत सुनते हैं। आपका सिमरण जिसने किया, मनोकामना उसकी पूर्ण हुई। आपकी पूजा जिसने की, पग पग पर उसको खुशी मिली। आप दया करते हैं सब पर, आप दयालु हैं भगवान। आप कृपा करते हैं सब पर, आप कृपालु हैं भगवान। आप ही भाग्य विधाता है और आप ही जीवन दाता है। आप है कर्ता, आप विकर्ता, आप ही तो महाकर्मा है। आप उपेंद्र, आप महेंद्र, आप ही विनय सुलोचन है।
आप अपराजित हैं, अजित हैं, आप हर शत्रुघ्न हैं। आपका श्री नारायण क्या कोई करे बखान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, श्री विष्णु जी करुणामयी हैं। उनके भक्तों पे संकट के बादल कभी नहीं छाते। नारायण उनके कष्टों का तुरंत निवारण करते हैं। वो कैसे, आइए सुनते हैं। आप है करुणामयी प्रभु जी, आप है करुणा की मूरत। आप ही तो देते हैं अपने भक्त जनों को यश दौलत। आपसे अपने भक्त जनों के कष्ट नहीं देखे जाते। कष्ट मिटा कर भक्तों के सुख आप हैं उनको पहुंचाते। आपके द्वारे आकर मांगते जब अरदास लगाते हैं। आपके दर से विष्णु जी सब मन की कामना पाते हैं। भक्तों को विश्वास है उनकी अर्जी टाली न जाएगी। आज नहीं तो कल उनकी आस्था ये रंग ले आएगी। पूरा होगा उनके हृदय का भी अरमान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु है, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं। तो भक्तों, आइए प्रजापति विष्णु जी के चरणों में हम प्यार से, श्रद्धा से, भावना पूर्वक एक प्यारी सी अरदास लगाएं। तो आइए अरदास लगाते हैं उनके चरणों में। हे सर्वेश्वर, हे सुरेश्वर, आपसे इतनी विनती है। हे दामोदर चक्र गदाधर, आपसे इतनी अर्जी है। हे भूतात्मा, हे यूतात्मा, हम हैं आपके सेवादार। हे आनंदी, हे मेघावी, कीजिए हम पे ये उपकार। भक्त की इच्छा है प्रभु हम आपके चरणों में आए। आप यदि दर्शन दें हमको, धन्य धन्य हम हो जाएं। इसके अलावा और नहीं कुछ चाहिए हमको ऐ भगवन। विनती करें स्वीकार तो हम आभारी रहेंगे आजीवन। हम भक्तों पे कीजिए भगवन इतना सा एहसान। आओ सुनाओ उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। आओ भक्तों उनकी कथा को, सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु है, देव बड़े ही महान। कमलापति श्री विष्णु है, देव बड़े ही महान। कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री हरि की, कथा सुनाते हैं।
भक्त जनों, श्री विष्णु जी की यदि कृपा दृष्टि हो जाए तो जीवन बहुत सुखमयी होता है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर ऐसे ही बनाए रखें। आपकी हो जाए जो विष्णु भगवन हम पे कृपा दृष्टि, सुखमय जीवन बीते अपना, रहे कभी ना कोई कमी, धन से भरे खाली भंडारे और घर में खुशहाली हो, सब दिन बीते होली जैसे रातों में दिवाली हो, निस दिन ज्योति जला कर फिर हम आपका ही गुणगान करें, आपकी छवि बसा के मन में आप ही का हम ध्यान करें, आप सभी के शुभ चिंतक हैं, आप सभी के प्यारे हैं, गर्व है हमको प्रभु जी इस पर, स्वामी आप हमारे हैं, परम पिता परमेश्वर हैं हम आपकी संतान, आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान, आओ भक्तों उनकी कथा को सुनो लगा कर ध्यान। कमलापति श्री विष्णु हैं देव बड़े ही महान, कमलापति श्री विष्णु है देव बड़े ही महान, कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं श्री विष्णु की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते।